जैन साथियों, बिहार फिजिकल रनिंग एकेडमी गांधी मैदान। साथियों, बिहार पुलिस 2191 का अभी बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम देने के बाद फिजिकल में उतर चुके हैं और हमारे पीछे देख रहे हैं बिहार पुलिस का और कुछ इसमें जीडी का भी हमारा अभ्यर्थी है आ रहा है। 40 जिस SC ST में गर्ल्स के और 40-45 आ रहा है, तो आराम से फिजिकल कर सकते हैं। बॉयज़ में 55-60 के बीच में जिसका आ रहा है, 50 के प्लस आ रहा है, आप फिजिकल में उतरिए, आपका रिजल्ट होगा। अभी इन्हें बोल रहे हैं कि आप पूरा कवार के दौड़ना है, नॉर्मल आप एंड्योरेंस रनिंग कीजिए जिससे आपका पैर सही हो। हम ये नहीं बोले कि संस्था ज्वाइन कीजिए, मेरा संस्था ज्वाइन कीजिए, आप घर पर रहिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका बिहार पुलिस का मेरिट फिजिकल से बनने वाला है। और जितने बिहार पुलिस के अभ्यर्थी, हम यही बोलना चाहेंगे, आप तैयारी कहीं भी कीजिए उससे मतलब नहीं है। आप सबसे पहले मान लीजिए किसी संस्था में ज्वाइन कर रहे, भीड़ देख के सबसे पहले आपको ज्वाइन नहीं करना है। सबसे पहले आप संस्था का देखिए क्या करवाया जा रहा, कैसा उनका वर्कआउट रह रहा है। सबसे पहले तो आपका वर्कआउट डेली का चेंज रहेगा, तभी आपका आने वाला टाइम में बिहार पुलिस का टाइमिंग कम होगा। शुरुआत 10 से 15 दिन आप एंड्योरेंस रनिंग कीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी भीड़ देख के चले जाते हैं, लास्ट होते होते बोलता है कि अब हमसे नहीं हो रहा, फिर दूसरे संस्था में बैक करते हैं कि वहाँ पर जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। आप पहले आइए, पहले वॉच कीजिए कौन कैसा करवा रहा है, तब आप ज्वाइन कीजिए। किसी संस्था में ज्वाइन कीजिए, बोलिए हमको 1 से 2 दिन डेमो लेंगे, आप डेमो क्या उनका आ रहा है, तब आप ज्वाइन कीजिए। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट आए, एडमिशन ले लिए, फिर 5 दिन बाद हो फिर इधर आ जाइए। मेरे पास एक बंदा आए हैं जो दूसरे के पास लमसम 20 से 25 दिनों की है, इंजरी होने के बाद इधर आए, अभी वो उसके साथ हम भी करवा रहे हैं, प्लस इंजरी भी उनका देख रहे हैं कैसा इंजरी हुआ। तो मेनली रूप से आपको 3 से 4 चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। भीड़ के चक्कर में अपना दौड़ ख़राब नहीं करना है। शुरुआत 10 से 15 दिन आपको स्लो एंड्योरेंस रनिंग करना है कि जिससे आपका पैर में पावर आए, आपका पैर में कभी भी ये दर्द नहीं है, सिनपिन बह रहा, जूता बढ़िया लीजिए, खान पीन सही रखिए और भीड़ में नहीं दौड़ना। ऐसा दौड़े मान लीजिए एक बैच में 50 से 60 बच्चा भी रहेगा तो काफ़ी है कि ट्रेनर एक एक बच्चा पे वॉच करेगा, कौन बच्चा मेरा भाग रहा है कौन नहीं भाग रहा है। मान लीजिए हम 200 का बैच रखेंगे, इस कॉर्नर से हम 150 मीटर आगे ले जाएंगे तो पीछे वाले का मेरा पता नहीं चलेगा, मेरा पिछला अभ्यर्थी दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। जब छोटा बैच हमारा जितना रहेगा उतना में आपको एक पता चलेगा, ट्रेनर एक एक बच्चा को वॉच करेगा कि बच्चा मेरा स्टेप कैसे रनिंग में रख रहा है, हैंड कैसे स्विंग कर रहा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है रनिंग करने में, सबसे बड़ा मायने रखता है। और बॉडी स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है रनिंग में, आप सांस कैसे ले रहे हैं, मुंह बंद करके ले रहे हैं कि मुंह खोल कर, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक प्रॉपर गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा तो 1600 मीटर आप सोच रहे हैं कि 50 अंक उठाना है 40 अंक उठाना है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 1600 मीटर आपको क्वालिफाई करने से मेरिट नहीं बनेगा। आपको मेरिट बनेगा तो फिजिकल से कम आपको रनिंग में 40 नंबर उठाना है और हाई जंप में भी अच्छा नंबर उठाना है। हाई जंप में बहुत सारे अभ्यर्थी अभी अलबला के आते हैं, हाई जंप कर लेते हैं, हाई जंप में बारीकी से कीजिए, नहीं कि हम शुरुआत में 4 फीट मारेंगे, 2.5 फीट से स्टार्ट करेंगे, 3 फीट से स्टार्ट करेंगे। आपको एक रिदम आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आप कभी हाई जंप किए नहीं है तो ऐसे जगह जाना है जहाँ पे आपको हाई जंप खुद ट्रेनर बताए, ट्रेनर खुद नॉलेज हो हाई जंप के बारे में और जानते हैं इन सभी अभ्यर्थी से कैसा आज का वर्कआउट था, कि वर्कआउट कुछ नया अभ्यर्थी भी है और पुराने वाले भी, वर्कआउट कैसा डेली का इनका वर्कआउट चल रहा है, कि 1600 मीटर बॉयज़ का और गर्ल्स का 1000 मीटर का टाइमिंग क्या जा सकता है। आइए इन सभी से जानते हैं कैसा वर्कआउट चल रहा है। अच्छा चल रहा है। क्या वर्कआउट था आज का? आज का था ये 400 वाला। एक ग्रुप में है ना? हाँ, एक ग्रुप में। एक ग्रुप में क्या वर्कआउट? 400 वाला 8 राउंड था सर। क्या था? पेस रनिंग था, स्लो था, थोड़ा मीडियम था, मीडियम पेस, मीडियम पेस था। उसके बाद 1600 वाला था सर, ये 320 मीटर ट्रैक पे वो क्या था, कितना गए थे वो छोटा वाला पे? 800 का, 8 गया था। उसके बाद एक चक्कर रेपिटेशन भागे, मेरे साथ भागे। जी जी। चलिए कुछ बी ग्रुप वाले अभ्यर्थी से जानते हैं कैसा था वर्कआउट आज का। बहुत अच्छा था सर। कितना आप रनिंग किए आज? हम रनिंग किए 5 राउंड 400 मीटर वाला, 320 मीटर वाला, 8 राउंड। 8 राउंड किया था। फिर उसके बाद? उसके बाद आपके साथ 320 मीटर, फिर मेरे साथ। कैसा वर्कआउट चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। आप शुरू में आए थे यहाँ पे और अभी कैसा आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इनसे जानते हैं और बी ग्रुप वाले से। आपका कब ज्वाइन किया था संस्था? आज फर्स्ट दिन थे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। कितना वर्कआउट हुआ था आज? 400 वाला 5 राउंड मारे और 320 का 8 राउंड, फिर आपके साथ एक चक्कर, फिर हम लेके गए। क्या आप यहाँ पे जुड़े, कैसे यहाँ पे आए थे? भैया मेरे यहाँ पहले जुड़े थे, वही बोले। कितना नंबर आ रहा है? नंबर तो वही लगभग 60 के लगभग। 60 के लगभग। और कौन सा कैटेगरी है? OBC। कहाँ से है? सिवान। सिवान डिस्ट्रिक्ट से। चलिए इनसे जानते हैं कैसा वर्कआउट था आज का। बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा वर्कआउट था। क्या वर्कआउट था? आप कौन ग्रुप में थे? आप सर एक ग्रुप में, 4 राउंड। आप एक ग्रुप में थे। तो कितना राउंड गए? 4 राउंड। 4 राउंड गए थे, छोड़ दिए थे आप बीच में। जी सर, जी सर। फिर कैसा आ उसके बाद? सर उसके बाद 320 वाला 8 गए थे। 320 वाला 8 गए थे। चलिए आप आ जाइएगा आगे, आपका भी फर्स्ट देना है ना। यस सर। कितना नंबर आ रहा है?
किस में सर? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। अभी मैं एग्जाम नहीं दिया हूँ। कैसा वर्कआउट था? बढ़िया था, बढ़िया था, बढ़िया था। अभी कौन सा बी ग्रुप में थे? नया वाले में अभी। आपका कैसा वर्कआउट था? ठीक था सर। ठीक था। कौन सा ग्रुप में थे आप? बी। बी ग्रुप में थे। क्या बी ग्रुप का वर्कआउट था सर? 5 राउंड था 400 मीटर वाला, फिर उसके बाद 8 राउंड 320 मीटर वाला, फिर एक बार आपके साथ हुआ था, फिर मेरे साथ एक था। चलिए इधर जानते क्या वर्कआउट था। पहले वार्म अप था 400 वाला, उसके बाद 400 वाला 8 चक्कर गए पेस पे, एक पेस बना के, उसके बाद फिर वर्कआउट हुआ, उसके बाद फिर 320 वाला 8 वो चक्कर गए नॉर्मल पेस पे, उसके बाद आपके साथ 320 वाला एक मतलब रेपिटेशन। क्या आपके साथ ट्रेनर का सही गाइडेंस मिलता है या नहीं मिलता? ये नहीं कि वीडियो बना रहे तब बोल रहे, सही गाइडेंस है या नहीं? यस सर। क्या इस गाइडेंस से आपको लग रहा है कि हम रनिंग में 40 नंबर उठा लेंगे? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। 40 नहीं, हमको 50 सोचना है। 50 होगा, जब हम आपके साथ 50 मारेंगे रनिंग में तो आपको भी 50 हम मरवाएंगे। चलिए कुछ गर्ल्स से जानते हैं, कैसा वर्कआउट था आज का? अच्छा ना। कितना था आज का वर्कआउट? आज का 400 वाला कितना गया था? कितना राउंड? 5 राउंड। उसके बाद? उसके बाद फिर एक्सरसाइज हुआ, और उसके बाद फिर 350 वाला 6 चक्कर था। फिर 6 चक्कर। कितना मार्क्स आ रहा है आपका? क्या मतलब एग्जाम आप दिए हैं, लगभग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट सही है आपका? अभी चेक नहीं किए। चेक नहीं किए, चलिए बढ़िया। चलिए इनसे जानते हैं कैसा वर्कआउट था। अच्छा था। अच्छा था। क्या वर्कआउट मेरा नहीं हुआ था? 400 वाला हुआ 5 चक्कर, और 330 वाला हुआ 6 चक्कर। उसके बाद एक्सरसाइज। 1 चक्कर रिपीटेशन नहीं भागे थे कि आप लोग? भागे थे। कौन को नहीं भागा था? 1 चक्कर रिपीटेशन सभी भागे था। कैसा वर्कआउट था आज का? तो वर्कआउट सब सुबह में हम लोग का सबसे पहले एक्सरसाइज कराया गया, क्योंकि जैसा बताया था है कि रनिंग के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लोग का 800 का 1 चक्कर लगाया गया वार्म अप के लिए, फिर हम लोग का 400 का ट्रैक पे हम लोग 5 राउंड लगाए, फिर 300 का 6 राउंड, उसके बाद 1 रेपिटेशन लगाया गया। रेपिटेशन भैया हम लोग को लगवाते वही स्पीड बढ़ाने के लिए। चलिए चलिए पीछे वाले अभ्यर्थी से कुछ आ गएगा आज का? बहुत बढ़िया। कितना वर्कआउट हुआ था आज? और पहले एक्सरसाइज कराए, 1 चक्कर 400 का वार्म अप कराए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज कराए, फिर स्लो रनिंग के लिए 400 वाला ट्रैक का 5 चक्कर कराए, उसके बाद फिर से एक्सरसाइज कराए, फिर 320 का 6 चक्कर कराए। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? रोहतास डिस्ट्रिक्ट। बिहार लग रहा है कि आपका यहाँ से हो जाएगा? बिल्कुल लगता है मुझे। चलिए जितने भी अभ्यर्थी हमारा बिहार पुलिस का ये था, मेरे साथ जो भी अभ्यर्थी जुड़ता है मेरा काम ये, हम जब हम खुद 50 नंबर अभ्यर्थी के साथ दौड़ के उठा सकते हैं तो मेरा बच्चा भी उठाएगा, क्योंकि मेरा सपोर्ट पूरा इनके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि हम इनको छोड़ते नहीं हैं। जब तक एक सही गाइडेंस नहीं मिलेगा जब तक नहीं होगा। हम इतना ही बच्चा में हम ए ग्रुप बी ग्रुप बना चुके हैं, जब तक छोटा हमारा बैच नहीं रहेगा तो हम पीछे वाले नए अभ्यर्थियों को हम फोकस नहीं कर पाएंगे। मुझे मेरा एक ही काम है इस बार बिहार पुलिस में जितना बच्चा हमारे संस्था से जुड़ रहे हैं मेरिट बनाना, फिजिकल में अच्छे नंबर उठाकर, तो आप आइए हमारे संस्था से जुड़िए एक अच्छे बेहतरीन वर्कआउट के साथ, बेहतरीन रनिंग ट्रेनर, हाई जंप ट्रेनर, आइए हमारे संस्था जुड़िए। गांधी मैदान गेट नंबर 5 पे हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद।